हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज 3 दिन बाद नेट आ चुका है। अभी बजे है 9 और रात को बारिश आई थी इसलिए लाइट चली गई। और यहाँ गांव का सीन ये है कि अगर कहीं से भी बादल ही दिख गए, बारिश आने का चांस है तो लाइट कट जाएगी। और तब तक नहीं आएगी तब तक एक भी बूंद धरती पे वो सूख ना जाए। अब लाइट है नहीं, गर्मी से तरबतर हो रहे हैं। मोबाइल मैंने तो क्या इन्वर्टर लगा के रखा है घर पे, उसमें मोबाइल तो चार्ज हो जाता है, पंखा भी चल जाता है। तो अभी पंखा वगैरह बंद कर दिया क्योंकि रात को अगर लाइट नहीं आई बाई चांस तो फिर मोबाइल चार्ज रिचार्ज हुए तो वो कैसे करेंगे। और रात को सोने के लिए फिर हवा भी चाहिए, पंखा चालू करेंगे। तो अभी जल्दी से चलते हैं, दुकान भी आज लेट हो चुका है, जल्दी से चलते हैं। कई तो हमारे घर के पास भी थी छोटी सी पतली सी सड़क गली है बीच में थी, जिसमें एक आदमी आराम से नहीं आ सकता, लेकिन मम्मी उसके अंदर भी घुस के उसको साफ करने गई थी। पर पसीने से तर बदर हो चुकी है मम्मी। इस गली में पता नहीं कैसे घुसी मम्मी, मेरे को नहीं समझ में आता। इतनी छकड़ी गली में सफाई करने गई थी क्योंकि इसके बीच में पानी फंस गया है। गाइस, अभी बजे है शाम के 6:30। आज दिन पूरे लाइट नहीं थी, 3 दिन नेट नहीं था और आज दिन पूरा लाइट नहीं थी। अभी लाइट आ चुकी है और अब मैं एक नया प्लान सोच रहा हूँ, जो पक्षियों के लिए पानी के लगा दिए पेड़ लगे हुए है उनके रहने के लिए। तो मैं इस बोतल से पक्षियों का घोंसला बनाने की कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा और एक दो बना के लगा के आऊंगा। फिर अगर ये सक्सेस हो गए, वहां पे इसके अंदर अगर पक्षी रहने लग गए तो और भी लगा देंगे, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा बना ले और उसमें काम ही नहीं आए तो फिर उनको लगाने का मतलब ही नहीं रहता। इसलिए शुरू में मैं आज 2 बोतल लेके आया हूँ, 2 बोतलों से बनाऊंगा घोंसला। किस तरीके से बनाता हूँ, क्या रहता है पूरा इसका सीन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद बनने के बाद इसको जाएंगे कल लगाने के लिए, क्योंकि आज लेट हो चुका है। और अभी क्योंकि आज दिन पूरा मौसम गर्मी थी, चारों तरफ भी बादल है, ऊपर देख सकते हैं आप, और पूरा दिन बादल थे, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया। अब मैं शाम थोड़ी ठंडी हो गई है तो अब मैं जा रहा हूँ। पहले तो इसके अंदर क्या क्या आइटम चाहिए, एक तो बोतल है, बोतल चाहिएगी, और एक चाहिए जो जूट की बोरी आती है वो, तो यहाँ पे एक दो सड़ी हुई बोरी पड़ी है जूट की, वो लेके आ जाता हूँ पहले। तो ये है जूट की बोरियाँ, यहाँ पे ऐसी पड़ी है, तो उनको यूज ले लेते, उसको यहाँ से काट देते। चाकू लेके आया हूँ मैं साथ में, ये गई इसको, वैसे सड़ी हुई है ये, सही रहती है सड़ी हुई, ये देख सकते फट रही है ऐसी। तो ये अपने आ जाएगी काम आज, तो फिर नहीं लेके आ जाएंगे। और ये है हमारी गाड़ी, ये है बकरी, दूसरी बकरी, और ये हमारी गाय जो कि अभी चारा खा रही है, ये दूसरी वाली। तो फाइनली गाइस, बोतल ये आ रही है और ये जूट की बोरी आ गई है। अब इसको हम काटते हैं। फाइनली गाइस, इसको मैंने काट दिया है। तो ये है छेद, इसके अंदर से पक्षी अंदर घुसेंगे, लेकिन इसके अंदर ये जूट है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भर देंगे यहाँ तक, थोड़ा बहुत डाल देते हैं ऊपर और थोड़ा लगा देंगे इसके ऊपर, इससे क्या ये ठंडा भी रहेगा और घोंसले की तरह बन जाएगा। ट्राई करते हैं, इससे बढ़िया इसमें कट जाएगा। आधी शिकार के देखते हैं, इस तरीके से हाथ से ट्राई करते हैं, ऐसी काट देते हैं। डाल देते हैं इसको नीचे, ये हो गया ऐसे नीचे, ये भर दिया यहाँ तक, थोड़ा डाल देते हैं इसको। तो इस तरीके से देख सकते हैं,
कि भर गया है नीचे ऊपर दोनों तरफ, और बीच में जो खाली जगह इसमें रह जाएंगे पक्षी, और इसके ऊपर इसको इसे साइड में इसके ऊपर इसको इस लपेट देते और डाल देते इसके अंदर इस तरीके से, इसको सही तरीके से रस्सी से बांध देंगे थोड़ा, तो ये बन जाएगा चिड़ियाओं के रहने के लिए घोंसला। अब इसको लगाएंगे कल, इसको थोड़ा सा रस्सी से पहले सही तरीके से बांध देते घोंसले की तरह बन गया, अंदर भी जा सकते पक्षी। ये छोटी बोतल है, यदि इसको सही कल देखूंगा, और अगर बड़ी बोतल मिल गई तो बड़ी बोतल का बना दूंगा एक, दो लगा देंगे वहाँ पे, देखते हैं कौन सा सक्सेस रहता है उस हिसाब से फिर आगे और बना देंगे। अगर ये सक्सेस नहीं हुआ फिर और कुछ सोचेंगे।